दोस्तों टेक्निकल कुलमीत चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपलोड तुरंत मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं टेक्निकल कुलमीत। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी फ़ोटो, डॉक्यूमेंट आदि ऐसे फाइल पर आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर वो ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, ये दिख रहे हैं आपको, ऊपर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया, आप भी कर लीजिएगा डाउनलोड करके। देख रहे होंगे ऐसे आपके पास फाइल ओपन हो जाएगा। अब आपको सिर्फ नीचे प्लस का निशान दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। आपको कोई भी फाइल पिक्चर ले लीजिए, ये मैं ले लेता हूँ, जो सारा डन कर देता। अगर आप चाहते हैं कि एक ही पीडीएफ में ये 6 फ़ोटो आ जाए तो आपको बस यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा कोने पे, वो ऊपर बस वहाँ पे क्लिक करना है, पीडीएफ का निशान बनाया। अब आपको क्या करना है, जिस नाम से इसे बनाना है उस नाम से बना सकते हैं। कुछ भी नाम से बना दीजिए। अब आपको पासवर्ड लगा देना है, पासवर्ड प्रोटेक्शन पे क्लिक करके आपको पीडीएफ पासवर्ड लिखने के लिए बोल रहा है। आप कुछ भी दे सकते हैं, पीडीएफ पासवर्ड, ये हो गया 4 अंक का, मैं दे दिया। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ओके दबा देना है। ये फाइल कन्वर्ट हो गया है, ये देख रहे होंगे मेरा फाइल, इसे ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, देख रहे होंगे फाइल खुल गया, कितना अच्छा लग रहा है, एक ही फाइल में सारा फोटो आ गया। ऐसे आप किसी भी जितना चाहे उतना फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, 100 फ़ोटो, 1000 फ़ोटो कर सकते हैं आप। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि मैं अपने गैलरी से फ़ोटो डिलीट कर दूं तो क्या ये फ़ोटो रहेगा? हाँ एकदम रहेगा, आपके लिए फ़ोटो हमेशा रहेगा। आप गैलरी से फ़ोटो डिलीट भी कर देते हैं तो यहाँ से कभी नहीं डिलीट होगा। और ये अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं तो वो आपके बिना पासवर्ड से कभी नहीं खोल पाएगा, आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा, उसके बाद यही तब भी फाइल खुलेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।